ना वी आर गोइंग टू डिस्कस फाइनेंशियल ट्रेंड्स इन रिटेलिंग आज के दिन में क्या चल रहा है रिटेल इंडस्ट्री के अंदर फ्रॉम दी फाइनेंशियल परस्पेक्टिव सबसे पहला पॉइंट जो की इम्पॉर्टेंट बात है अगर हम यूएस uh, इकोनॉमी या यूरोपियन इकोनॉमी की बात करें तो वो स्लो डाउन है इन टर्म्स ऑफ रिटेल स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर में अगर हम इमरजिंग इकोनॉमीज की बात करें पाकिस्तान वियतनाम चाइना इनकी अगर हम बात कर रहे हैं सो दीज आर वन ऑफ दी इकोनॉमीज कि जो के बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं अभी रीसेंट सर्वे के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान इज एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ रिटेल ग्रोथ विच इज़ एट परसेंट ओवर एट परसेंट रिटेल ग्रोथ तो जो के शायद इट इज़ द टॉप रिटेल ग्रोथ इन दी इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट जबकि इंडिया चाइना वियतनाम सारे इसको फॉलो कर रहे हैं इसके बाद है तो फर्स्ट ट्रेंड इज के इंडस्ट्री जो है वो इमर्जिंग इकोनॉमी के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है फिर दूसरा पार्ट इज़ द फंडिंग सोर्सेज नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जो टॉप रिटेलर्स हैं आइदर दे आर फ्रॉम यू एस और दे आर फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट अब क्योंकि दोनों इकोनॉमीज स्ट्रगल कर रही हैं इस हवाले से दोनों इकोनॉमीज दोनों जगहों पे चैलेंज है तो जो फंडिंग सोर्सेज हैं वो आज के दिन में दे आर इवेल्यूएटिंग एक्चुअली कि क्या इवर्जिंग इकोनॉमीज़ के अंदर जहाँ पर सिक्योरिटी के कंसर्न हैं जहाँ पर और डिफरेंट चैलेंजेस हैं वो क्या आर दे द बेस्ट प्लेसेस टू इन्वेस्ट और नॉट अब जिस तरीके से वॉलमार्ट हैज टेकन द डिसीजन टू एंटर इंटू इंडिया बट नॉट एंटर इंटू पाकिस्तान अगेन पाकिस्तान इज टू हंड्रेड मिलियन पॉपुलेशन कंट्री के जहां पर बहुत uh, पोटेंशियल है रिटेल के हवाले से बट बिकॉज ऑफ दि सम क्वेश्चन मार्क्स आई इज सिक्योरिटी और इट इज पोलिटिकल स्टेबिलिटी और एनी अदर फैक्टर उसकी बेसिस के ऊपर दे हैव डिसाइडेड कि वो अभी अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं करेंगे इन टू पाकिस्तान तो इस सूरत में रिटेलर को फंडिंग सोर्स क्या होगा दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड तीसरी बात मर्जर्स कंसोलिडेशन स्पिन ऑफ्स बहुत तेज़ी से सारी दुनिया में हो रहे हैं स्पेशली रिटेल के परस्पेक्टिव में आज के दिन में डिस्कशन अगर हम बात करें सो वॉलमार्ट डिस्कशन में अमेजोन के साथ तो इसी तरीके से और बहुत सारे मर्जर्स एकजिशंस पाकिस्तान में मेट्रो और माकरो का मर्जर uh, अगेन पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनली भी लॉट ऑफ मर्जर लॉट लॉट ऑफ एक्विजीशन कंसॉलिडेशन ऑलरेडी इन पाइपलाइन बैंक क्रप्सिस भी हैं अगर आप देखेंगे तो देयर विल बी लॉट ऑफ रिटेलर्स जो कि ग्रेजुअली अपने लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंगली इफ दे हैव नॉट अपग्रेडिड दैम तो उन्होंने अपने आप को क्लोज कर लिया है और दैर दे आर अबाउट टू क्लोज फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान में मैं निराला की बात करता हूँ तो वन ऑफ वाज वन ऑफ द की रिटेलर्स इन द स्वीट्स सेगमेंट लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो दे आर बेन करप्टेड और दे आर नो मोर इन दी हिस्ट्री और दे आर नो मोर इन ऑन द मैप ऑफ द कंट्री इसी तरीके से क्वेश्चनेबल अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स रिटेल के अंदर देर अंडर द डिस्कशन कि किस तरीके से इनको इम्प्रूव किया जा सकता है बेहतर किया जा सकता है ताकि सेम स्टैंडर्ड फॉलो किया जा सके बेशक वो यूएस है बेशक वो यूरोपियन मार्केट है बेशक वो एशियन मार्केट है इमर्जिंग कंट्रीज हैं एन इलेवन कंट्रीज हैं कोई भी है सो द अकाउंटिंग शुड नॉट बी क्वेश्चनेबल तो दिस इज वन ऑफ द ट्रेंड के आज के दिन में उसको एक क्वेश्चन रेज हो रहे हैं तो दिस नीट अ क्लियर डिस्कशन एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑन इट फिर उसके बाद जो रिटेलर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड आज के दिन में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल पेमेंट सोल्यूशन के ऊपर जा रहे हैं आज के दिन में ओवर फोर हंड्रेड एंड एटी मिलियन मोबाइल पेमेंट के यूजर्स हैं अगर आप देखेंगे कि डेटा uh, आपके सामने है ऑलमोस्ट पाँच सौ मिलियन मोबाइल पेमेंट यूज़र है विच मीन्स के एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन इज़ ऑलरेडी मूविंग टू द मोबाइल पेमेंट सोल्यूशन हम बात कर रहे थे क्रेडिट कार्ड की हम बात करते थे कैश की कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान आज के दिन में भी अभी हम कैश ऑन डिलीवरी की बात कर रहे हैं या हम कैश पेमेंट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं हाउेवर अगर हम बात करेंगे तो अदर पेमेंट सोल्यूशंस की विच इज़ द मोबाइल वॉलेट और मोबाइल पेमेंट सोल्यूशन वो सारी चीज़ें इज़ दी इमर्जिंग फाइनेंशियल ट्रेंड इन दी रिटेल सेक्टर इसी तरीके से ओमनी चैनल के हवाले से इज वन ऑफ द की ट्रेंड्स कि जो रिटेलर हैं दे विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन ओमनी चैनल बीट एनी अदर थिंग कोई भी कोई भी कॉम्पोनेंट है बेशक कोई भी सेगमेंट है कोई भी इंडस्ट्री है अगर वो रिटेल से एसोसिएटेड है सो दे विल कीप ऑन इन्वेस्टिंग ऑन ओमनी चैनल तो हमने वो बेसिक फाइनेंशियल Friends, अभी डिस्कस किए हैं आपसे शेयर किए हैं जो कि एक्चुअली हेल्प करेंगे हमें किसी भी तरह से कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने में एक रिटेलर के क्योंकि रिटेलर ने इवेल्यूएट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द जीडीपी जो इकोनॉमी की हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग फ्रॉम द जीडीपी डी पी गोज अपडील के कस्टमर को किस तरह का सोल्यूशन चाहिए क्या सर्विसेज वो एक्सपेक्ट करता है और उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या है जो मैंने अभी आपके सामने रखे तो एक रिटेलर को तमाम फाइनेंशियल ट्रेंड्स को स्टडी करना है और देन ग्रेजुअली फॉलो करना है अकॉर्डिंगली ताकि वो इस कंपेटिटिव मार्केट में इस कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में प्रोसीड कर सके सक्सेसफुल हो सके और अपने बिजनेस को फ्लरिश कर सके